कि अगर ये हिंदुत्व, चाहे किसी भी प्रकार का हिंदुत्व जो चल रहा है, अगर आतंकवादी उग्रवादी होता बोको हरम वगैरह टाइप का, तो यहाँ पे क्या स्थिति होती आप बताइए। जैसे अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, सब जगह ले लीजिए, बहुत बुरी स्थिति होती। अच्छा, सलमान खुर्शीद की किताब पिछले दिनों रिलीज हुई थी, उनको भी उम्मीद नहीं थी कि इस किताब के आने के बाद उनका इस तरह से सच से सामना हो जाएगा। पहले आपको तस्वीर दिखाते हैं, सलमान खुर्शीद ने जब किताब रिलीज की उसमें खुद पी चिदम्बरम और दिग्विजय सिंह बैठे थे। किताब का नाम तो अयोध्या था और इसमें उन्होंने हिंदुत्व की तुलना बोको हरम और आईसिस से की। उसके बाद कल की तस्वीर में आपको दिखा रहा हूं, इस तुलना के बाद सलमान खुर्शीद के नैनीताल घर में आगजनी हुई, तोड़फोड़ हुई। ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं सलमान खुर्शीद के नैनीताल घर की। सलमान खुर्शीद का आज सच से सामना हो गया। सलमान खुर्शीद को दरअसल आज एक पुराने कांग्रेसी कार्यकर्ता ने फोन लगाया। फोन लगाकर 10 मिनट तक हिंदुत्व पर सलमान खुर्शीद को ऐसे ऐसे सवाल किए, ऐसा ऐसा ज्ञान दिया कि सलमान खुर्शीद लाइव बोलती बंद हो गई। हेलो, हाँ नमस्कार खुर्शीद साहब। नमस्कार, कैसे हैं आप? बस अच्छा है, आपकी किताबों के चर्चे बहुत हुए रहे आज। अरे भैया, पहले तो मैं आपको बधाई दे दूं। अरे वो आपने देखी कि नहीं देखी किताब? किताब नहीं देखी भाई, तो मैं बिहार छठ मनाने आया हुआ हूँ। अच्छा, आप छठ? लेकिन बस वो मन में एक सवाल उपजा केवल, तो मैंने कहा कि वो भी आपसे पूछ लूं। ये दुनिया में 57 मुस्लिम मुल्क देश हैं, कहीं सेक्युलरिज्म है तो बता दीजिए, नंबर एक। नंबर दो सवाल कि अगर ये हिंदुत्व, चाहे किसी भी प्रकार का हिंदुत्व जो चल रहा है, अगर आतंकवादी उग्रवादी होता बोको हरम वगैरह टाइप का, तो यहाँ पे क्या स्थिति होती आप बताइए। जैसे अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, सब जगह ले लीजिए, बहुत बुरी स्थिति होती। अच्छा, और 1947 में भारत आजाद हुआ, उसके बाद से अब तक कोई एक दंगे का नाम बता दीजिए कि जो शुरुआत हिंदू वर्ग की तरफ से हुआ। अच्छा, एक इसका जवाब दे रहे हैं, ये बहुत अच्छे सवाल हैं आपके। आपके बहुत अच्छे सवाल हैं। मैंने तो नहीं कहा आपसे तुलना की सर। सुनो, नहीं तुलना की, हिंदुत्व बात सुनो, हिंदुत्व की है, हिंदू की नहीं की है। किताब पढ़ लीजिए। हाँ, हिंदू तो वो देखिए, वो बात एक ही होता है। मैं ये कह रही हूँ सलमान खुर्शीद साहब बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। हाँ, लेकिन क्या है कि वो सुबह जो काम करते हैं, दोपहर को जो काम करते हैं, वो बड़ा खराब करते हैं। तो आलोचना आप ही की हो गई। मेरा ये कहना था सर, मेरा ये हिंदू हिंदू धर्म की तो आलोचना नहीं। मैंने छोटा सा कहा, अरे चलिए वैसा भी अगर वर्ग उपज गया होता बोको हरम टाइप का या तालिबान टाइप का, तो आज यहाँ क्या? अच्छा एक बात और, बांग्लादेश में मंदिर गिराए गए, बांग्लादेश में अभी मंदिर गिराए गए। नहीं सर, अब एक सवाल सुनिए, मंदिर गिराए गए यहाँ कोई ऐसा हुआ? आप इसी बात नहीं सुनेंगे क्योंकि आप नहीं सुनते हैं। चलिए सुनाइए। सुनिए, बांग्लादेश में ऐसा होता है तो बुरा होता है। हम उसकी खुलकर सबके सामने उसको बुरा कहेंगे। नहीं, वहां से मेरा दूसरा सवाल उठता है, फ्रांस में कार्टून बनता है, दंगा बम्बई में होता है। बात सुनिए, आप कुछ नहीं जानते, आप कुछ नहीं जानते सर। हम अज्ञानी है तभी तो आपको नेता बना रखा है भाई। भारत में ऐसा हुआ कि कई मुस्लिम देशों में कई बार मंदिर गिराए गए। हाँ, जब बना कुछ होता है यहाँ पे तो बाहर गिरा दिए जाते हैं, लेकिन यहाँ कभी ऐसा हुआ नहीं। फ्रांस में कार्टून बना, मुंबई के आजाद मैदान में मूर्तियां तोड़ दी गई और लाखों की संख्या में उत्पाद हिंदुस्तान में मचाया। आप तो हिम्मत नहीं कर रहे हैं बुरा कहने की। मैं तो कह रहा हूँ कि बुरा हुआ। मैं तो हिम्मत कर रहा हूँ कि हम ऐसा है कि हमारी सोच ऐसी है कि आज हिंदू, आज भारत में ईसाई धर्म हो, मुसलमान धर्म हो, हर किसी को मिला आसरा और जो रहते हैं। और मुझे आप 47 से आज तक का एक दंगा बता दीजिए कि हिंदू पक्ष ने शुरू किया हो, मैं आपका गुलाम बन जाऊंगा खुर्शीद साहब। वो आप गलत नहीं, आप एक दंगे का नाम बता दीजिए, एक दंगे का नाम बता दीजिए। बनारस में चार दंगे हुए मेरे जीवन काल में। पचास रिपोर्ट्स हैं, वो आप पढ़ लीजिएगा, लेकिन इसमें बहस नहीं हो सकती। 50 बिल्कुल हो सकती है, आप मुझे वो 50 रिपोर्ट भेज दीजिए। आजकल फैशन हो गया है। बात सुनिए, मेरा काम लाइब्रेरी बनना नहीं है। अगर यहाँ पे बोको हरम और तालिबानी प्रवृत्ति होती हिंदुओं में, आप भी हवा से लटके होते। अरे हम हवा से लटके होते या आप लटके होते, वो आगे बताएगा ना। और आप जैसे ही वक्ता, लेखक, कांग्रेस की दुर्दशा के जिम्मेदार हैं।
ये बिल्कुल देने दीजिए ना, आप क्यों दे रहे हैं? मैं क्यों नहीं देंगे भाई, कभी हमारे हम लोग तो हम भी तो कांग्रेस ही हुआ करते थे। आप सिर्फ एक काम करें, कांग्रेस ही होंगे, लेकिन वही तो बोला हुआ करते थे। सुनिए बात, सुनाइए, प्रदूषण आ जाता है, प्रदूषण को नहीं कोई रोकता है। मतलब गांधी परिवार को प्रदूषण मत बोलिए प्लीज, गांधी परिवार को प्रदूषण नहीं, आपको बोल रहा हूँ, आपको हम प्रदूषण है। ठीक, राजस्थान में 18 साल की दलित लड़की से 19 लोगों ने बलात्कार किया, एक जवान शब्द निकला क्या? इस बारे में थोड़ा तमीज से रहिएगा, इस बारे में बहुत तमीज से रहिएगा। सुनिए, तमीज से बात किया, नेता है तो सिर पर चढ़िए मत। सवाल, राजस्थान में 19 लोगों ने बलात्कार किया 18 दिन तक, आपका एक बयान, आपका एक बयान। आपने मथुरा का नाम कैसे ले दिया? तो मैं आपके राजस्थान का अलवर का पूछता हूँ, अलवर में 18 दिन तक बलात्कार किया, उसका एक बयान आप दिखाइए, राहुल जी का दिखाइए। अरे बेवकूफी की बात कर रहे हो।